करते चलें। नवाज शरीफ मरियम नवाज का नाम ईसीएल में डालने का मामला, मुस्लिम लीग नून के बड़े आज सर जोड़ कर बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया है, इसमें साद रफीक, अयाज सादिक, कादिर बलोच, अमीर मुकाम, मेहताब अब्बासी और दीगर शिरकत करेंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा, अहम मामला है नाम ईसीएल में डालने का, नवाज शरीफ मरियम नवाज का, क्या आज गुफ्तगु होगी? जी, आज जो है ये इजलास तलब किया है अपोजिशन लीडर जो है और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां शहबाज शरीफ ने, और उसमें तमाम पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो सर जोड़कर बैठेंगे कि इस हवाले से आइंदा की एक मतमली तय की जाएगी। चूंकि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जराये का ये दावा है कि ईसीएल पे नाम डालने का जरूरत नहीं है और ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज के साथ ये ज्यादती होगी। उनका कहना था कि इसके साथ साथ जो आइंदा सदर के होने वाले इंतखाबात हैं सितंबर के पहले हफ्ते में, उस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू होगी और उसके साथ साथ जो पार्टी की हलीफ जमाते हैं उनको भी एतबार में लिया जाएगा। इस हवाले से तमाम हिकमत अमली तय की जाएगी, सदर के इंतखाब और मियां नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने पर क्या हिकमत अमली तय होनी चाहिए। इस हवाले से जो इजलास तलब कर रखा है उसमें कुछ देर के बाद इजलास शुरू होगा, जिसके बाद एक से दो घंटे जारी रहने वाले इजलास के अंदर जो है कुछ फैसले भी किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट करे थे अरसलान रफीक भट्टी।